मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस शोभा यात्रा में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। बता दें आपको कि साकेत महाविद्यालय से रामकथा पार्क तक ये शोभा यात्रा जाएगी। रामकथा पार्क में दोपहर 3:30 बजे शोभा यात्रा का अवलोकन होगा। वहीं 3:30 बजे राज्यपाल और तमाम नेता इस रामकथा पार्क पहुंचेंगे, जहां 4:15 पर रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर से आएंगे कलाकार। दोपहर 4:15 पर पूजा और आरती का कार्यक्रम रखा गया है। दोपहर के बाद कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। तो मंत्रोच्चारण के साथ सरयू जी की आरती भी होगी। सभी घाटों पर अयोध्या में 5,51,000 दीपक भी जलाएंगे। शाम के वक्त राम की पैड़ी पर रामकथा का आयोजन किया जाएगा और लगभग 8:15 पर राम की पैड़ी में रामकथा पार्क से ये शोभा यात्रा वापसी होगी और 8:30 बजे रामलीला का आयोजन होगा। बता दें आपको कि भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया से भी कलाकार इस रामकथा पार्क में पहुंचेंगे, जो अपनी प्रदर्शनी दिखाएंगे। अयोध्या तैयार है, तैयारी है दिव्य दीपोत्सव की। अयोध्या के सारे मंदिर और सरयू के घाट लाखों दियो से सजाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। सरयू के तट और शहर में जगह जगह पुराने भवनों और मंदिरों को रंगीन रोशनी से सजाया जा चुका है। इंतजार बस शनिवार का है। यूं तो गुरुवार को ही यहाँ दीपोत्सव से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन अयोध्या का असली रंग, उसका प्राचीन वैभव शनिवार को दिखेगा। इस दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और अन्य गणमान्यों के साथ फिजी गणराज्य के संसद की उपसभापति वीना भटनागर भी शिरकत करने वाली है। तो चलिए जानते हैं अयोध्या में इस बार होने वाले देव दीपोत्सव की खास बात क्या रहेगी। शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अयोध्या में भगवान श्री राम से जुड़ी झांकियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा सांकेत महाविद्यालय से चलकर रामकथा पार्क तक जाएगी। इस शोभा यात्रा में कई देशों के कलाकार भगवान राम के जीवन से जुड़ी कथाएं पेश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे तक इस शोभा यात्रा को खुद देखेंगे। इसके बाद रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर से श्री राम और सीता के रूप में कलाकार हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। इसके बाद यहां भारत मिलाप का कार्यक्रम होगा। शाम 4 बजे से श्री राम जानकी का अवतरण, आरती और प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शाम 7 बजे से 7:30 बजे तक सरयू पूजन और आरती होगी, जिसके बाद सभी घाटों समेत अयोध्या में 5,51,000 दीप जलाए जाएंगे। इनमें से 4,00,000 दीप राम की पौड़ी पर जलाने की तैयारी है। रात को 8 बजे से राम की पैड़ी पर राम कथा होगी, जिसके बाद भव्य आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम के बाद भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां इस वक्त अगर बात करें तो फाइनल टच पे है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक तरह से एक नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं, जो इस अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या फीलिंग्स हैं इनके अंदर और किस तरह से आप लोग तैयारियाँ कर रही है, क्या फील कर रही है इस वक्त आप एक भव्य दीपोत्सव की तैयारी में प्रतिभाग कर रहे हैं। मतलब एकदम से बढ़िया है, एक विश्व रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे और सबसे बढ़िया है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा होता है। चलिए, ये एक इनके अंदर एक उत्साह है कि इस बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। और भी वॉलंटियर्स हैं, आपको क्या लग रहा है इस बार कैसी फीलिंग्स है कि दीपोत्सव की तैयारी कर रही है और एक इतने बड़े कार्यक्रम में आप प्रतिभाग? यहाँ पे हम लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये एक राजमेला घोषित हो गया है। ये हमारे लिए एक लक की बात है कि हम अयोध्यावासी होते हुए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को और भी बता सकें कि हिंदुत्व होता क्या है।
और ये एकजुट होके एक ऐसा जगह जहाँ पे एक साथ मिलके इतने लोग काम करना बहुत बड़ी बात है, तो ये एक तरीके से एक ह्यूमनिटी की बात भी आगे जा रही है कि हम लोग कुछ बेटर करने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे लगभग 6000 वॉलंटियर्स लगाए गए हैं विश्वविद्यालय के, और भी वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं। आपको कैसा लग रहा है, फील कैसा कर रहे हैं इस वक्त आप एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन के हिस्सा बन रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग को सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि अयोध्या जहाँ दीपावली जहाँ की शुरुआत हुई, राम जहाँ पे आए, जहाँ से दीपावली शुरुआत हुई, देश दुनिया में कहीं भी आदमी है तो दीपावली केवल अयोध्या के वजह से जानी है, क्योंकि राम अयोध्या आए, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अयोध्या में ही दीपदान कर रहे हैं, राम जी का स्वागत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस वक्त की जो दीपावली इस बार की होगी, कहीं ना कहीं त्रेता युग में हुई दिवाली की तरह यहाँ उसको जमी पे उतारने की कोशिश की जा रही है। इस घाट के जो कंट्रीब्यूटर हैं उनसे भी बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है सर इस बार की दीपावली के जो ये भव्य कार्यक्रम नया विश्व रिकॉर्ड खड़ा कर पाएगा? निश्चित खड़ा कर पाएगा, क्योंकि हम लोग के हौसले इतने बुलंद हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के एनवायरनमेंट विपरीत है, परिस्थितियाँ विपरीत है, लेकिन फिर भी बच्चे बहुत जी जान से लगे हुए हैं और वो अपने लक्ष्य को पूरा निश्चित कर पाएंगे, ऐसा विश्वास है हम लोग का। चलिए, और वॉलंटियर्स हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कैसा लग रहा है यहाँ का। अगर माहौल की बात करें तो आप देख रहे हैं चारों तरफ 6000 वॉलंटियर्स लगे हैं, 6000 पूरे वर्किंग पे हैं और एक नए अब विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर है। मैं मनीष यादव, मतलब बिहार के रहने वाले हैं, अवध यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और यहाँ पे 6000 बटालियन काम कर रहे हैं और एक नई विश्व रिकॉर्ड बनाने की यहाँ पे तैयारी हो रही है, और यहाँ पे अदर कंट्री से भी अतिथि गेस्ट लोग आ रहे हैं और ऐसा मतलब दोबारा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और ये हमारे विश्व के लिए बहुत ही। चलिए, ये थे हमारे साथ यहाँ के वॉलंटियर जिनका एक नया एक उत्साह है जिनके अंदर एक नया विश्व रिकॉर्ड खड़ा करने के लिए। अवध विश्वविद्यालय के ये सारे वॉलंटियर से इनके अंदर एक उमंग है कि इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड फिर तैयार होगा अयोध्या में। और अयोध्या की बात करें तो आप देखिए चौड़े पे एक तरह से नए तरीके से एक नई रिकॉर्ड बनाने के लिए पूरे बच्चे लगे हुए हैं, वॉलंटियर्स लगे हुए हैं, वही अवध विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, विद्यालय के प्रशासनिक कार्यकर्ता लगाए गए हैं और एक नए तरीके से इसको अरेंज कर रहे हैं, एक प्रशिक्षित कर रहे हैं बच्चों को, और एक नए विश्व रिकॉर्ड की ओर अयोध्या बढ़ रहा है। कुल मिलाकर अयोध्या को दिव्य दीपोत्सव का ऐसा तोहफा योगी सरकार देने जा रही है, जिसके बारे में यही कहा जा सकता है कि पहले ऐसा नजारा किसी ने शायद कभी नहीं देखा होगा। अयोध्या अभी से जगमगा रही है, सरयू की धारा राम की पैड़ी पर अविरल बह रही है, जहां भक्तों का उत्साह अभी से चरम पर दिख रहा है। तो आप भी तैयार रहिए, क्योंकि आपका पसंदीदा चैनल हिंदी खबर आपको अयोध्या में होने वाले दिव्य दीपोत्सव का एक एक रंग दिखाने की तैयारी में है। हिंदी खबर के जरिए आप इस दीपोत्सव को देखकर यह अनुमान आसानी से लगा सकेंगे कि त्रेता युग में भगवान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण के अयोध्या लौटने पर क्या शानदार माहौल रहा होगा। तो बिल्कुल, अयोध्या की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएगा हिंदी खबर। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।